तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ राजेश जी, जिनका कि अपना ट्रांसपोर्ट का काम है, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में, किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करते हैं, कब से कर रहे हैं, किस तरह के ट्रकों का काम है, कहाँ कहाँ के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे जानकारी आज हम इनसे लेने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको हमेशा कुछ नए जानकारी बिजनेस के बारे में पता चलता रहे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार राजेश जी, कितने साल से हैं आप इस इंडस्ट्री में? 9-10 साल से। 10 साल से हैं। सर आपके ट्रांसपोर्ट का नाम क्या हुआ? जय मां दुर्गा ट्रांस लॉजिस्टिक हैदराबाद। ओके, किस तरह का ट्रांसपोर्ट ट्रकों का काम है आपका? अपना वेंडरशिप है। अच्छा, वेंडर काम है, ब्रोकरी का। ब्रोकरी गाड़ी का देते हैं अपन मार्केट। किस तरह का ट्रक वगैरह देते हैं आप? कंटेनर गाड़ी देते हैं। सिंगल एक्सल, मल्टी एक्सल और मल्टी एक्सल दोनों रहते हैं। सिंगल एक्सल मल्टी एक्सल दोनों होती है। कहाँ कहाँ के लिए सर आप काम करते हैं? तकरीबन ऑल ओवर इंडिया की रहती है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, एमपी है, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू। अच्छा, तो सर आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो आपने 10 साल में इस इंडस्ट्री में फेस किया है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक लाइफ स्टोरी होता है बिजनेस को लेकर के, आपका भी जरूर होगा। बिल्कुल। ये 10 साल का जो आपका जर्नी रहा है बिजनेस का इस इंडस्ट्री में, कैसा रहा है? किस तरह से आपने खुद को पढ़ाया है ताकि मार्केट में आपका नाम बन पाया आज तक? देखो जी, पहले संघर्ष तो करना पड़ता बंदे को, फिर अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन की मार्केट हो गई है। ओके, और अलग अलग नई नई कंपनियां आ रही हैं, तो एक तो भाड़े नहीं है, ऊपर से खर्चे बढ़ गए हैं। पहले क्या था, पहले रोड खर्चे भी कम होते थे, डीजल खर्चा भी कम होता था, अब डीजल भी बढ़ गया है, रोड खर्चे भी बढ़ गए हैं, और बॉर्डरों पर भी खर्चे बढ़ गए हैं, हर जगह खर्चे बढ़ गए, फिर भाड़े वही खड़े हैं जो पहले थे, आज से 10 साल पहले थे, कुछ ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है भाड़ों भी, वहीं पे है भाड़े। अच्छा, तो इसलिए क्या है, मोटर मालिक भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, ड्राइवरों को भी वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, ठीक है, हर बंदा ही ड्राइवरों को परेशान करने की कोशिश करता है, और होता भी ऐसा ही है। अच्छा, चोरी चकारी है, डीजल चोरी होना और होना, मतलब बहुत बहुत झंझट बाजी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल से। अच्छा, पहले तो ठीक था, कुल मिला के दो ने पैसे, मोटर मालिक को भी बचते थे, ड्राइवर को भी बचते थे, अब तो खर्चे इतने हो गए कि हालत खराब है, मतलब डगमगाडोल हो चुका है जिंदगी। तो सर एक चीज बताइए, आप जो 10 साल में आपने फेस किया, जो आपने बताया अभी, बेस्ट क्या पार्ट रहा है इस इंडस्ट्री में जो आपने देखा है आज तक? अच्छी चीजें क्या रही है? अच्छी चीज तो क्या रही है, ट्रांसपोर्ट लाइन में जो ठीक है, पहले पैसा ठीक बचता था, अब कम बच रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लाइन में तो ये अच्छी चीज है, संघर्ष तो देख करना ही पड़ रहा है बंदे को, ठीक है, संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ आएगा नहीं। अच्छा, फिर और अच्छा तो क्या है ट्रांसपोर्ट लाइन में, ये है जी। अच्छा, हाँ, तो सर एक चीज बताइए और, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि आप गाजियाबाद की गाड़ी देते हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि गाजियाबाद का कंटेनर का गाड़ी देते होंगे, जनरली मार्केट ये फेस करता है कि रेट जो है वो अप एंड डाउन किया जाता है। हाँ जी, जो मार्केट का रेट रहता है, अगर 40,000 रुपए का मार्केट का रेट है, आजकल ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर मार्केट में आ गया जो बोलते हैं नहीं मैं तो 35,000 रुपए में गाड़ी दे दूंगा, उसको घंटा ना बच रहा होगा, बताता हूँ, घंटा ना बच रहा होगा, फिर भी वो 35,000 रुपए में गाड़ी दे देता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या फेस करते हैं? देखो फेस क्या करना है, फिर वो तो एक मरने वाली बात होगी, 35,000 में गाड़ी देगा दोनों मरेंगे, ड्राइवर भी मरेगा, मोटर मालिक भी मरेगा, बचेगा तो बुकिंग वाले को कुछ बचेगा, और दोनों को कुछ बचना नहीं है, जो गाड़ी वगैरह लगा, क्योंकि अगर भाड़ा अच्छा रहेगा तो वो मोटर मालिक भी ड्राइवर को 2 पैसा अच्छा देगा, ठीक है, अगर उसको भाड़ा अगर कम मिला है, गाड़ी नहीं पहुंचेगी उस भाड़े में, तो ड्राइवर को क्या देगा वो, तो उसमें ड्राइवर भी रोता दिखता जाएगा और मोटर मालिक को तो रोना है ही। हाँ, तो उसमें तो किस्त मेन प्रॉब्लम क्या होगी, किस्तें टूट रही, गाड़ियां क्यों टूट रही, इसी चक्कर में टूट रही है, भाड़े कम है, 5-7 हज़ार रुपये में काम हो रहे हैं, 5-7 हज़ार भी दिल्ली जाके अगर 5 हज़ार रुपये की गाड़ी छोड़ भी देती तो कौन सा तीर मार दिया, 3 चक्कर महीने के मारेगी, 15,000 रुपये में ना तो किसके 60,000 रुपये की ना वो ड्राइवर का सैलरी दे पाएगा, ना गाड़ी की ईएमआई दे पाएगा, इसीलिए तो गाड़ियां ये टूट रही है अभी मार्केट से, फाइनेंस वाले उठा क्या करें, मजबूर है ना, भाड़े नहीं है मार्केट में, गाड़ी ले ली तो उनको कहीं तो चलाना है, खड़ी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो भाड़े नहीं है तो क्या करें, मोटर मालिक तो मरने का अगर बात ये आ रहा है। अच्छा, सिक्स का तो और भी सिस्टम हालत खराब है, एक तो चेचिस महंगे हो गए, भाड़े वहीं पे खड़े हैं, डीजल भी महंगा हो गया, तो बस ये मानो टोटल लॉस ही है कुल मिला के, जम्मू वाली बात नहीं।
अच्छा ओके सर आप स्टार्टिंग से क्या हैदराबाद में बिजनेस कर रहे थे या इससे? ना मैं पहले इंदौर में था। आप पहले इंदौर में थे, उसके बाद आप हैदराबाद आए हैदराबाद स्टार्ट करने के लिए। ओके तो अभी मैं आपका ऑफिस देखा था, ऑफिस बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। सर बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना हो तो लोकेशन जो होता है, ऑफिस जो होता है वो अच्छे जगह पे होना चाहिए। क्या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लगता है कि ऑफिस अच्छे जगह पे होना जरूरी है ताकि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सके? हाँ, ऑफिस तो अच्छी जगह होना चाहिए ना, तो फिर इनकम भी होनी चाहिए अच्छी जगह। अगर ऑफिस लोगे, ये ऑफिस का किराया 4-5 हजार रुपया, अच्छी जगह लोगे तो 15-20 हजार रुपये किराया होगा। इसका किराया नहीं निकल रहा तो अच्छी जगह ऑफिस लेने का प्रॉफिट क्या होगा? मतलब कि अगर ज्यादा फैसिलिटी अगर चाहोगे तो इनकम के साथ तो चाहोगे ना फैसिलिटी। अगर खर्चा निकल रहा है तो फिर कौन एसी लगाएगा ऑफिस में? पंखे से काम चलेगा जैसे हम चला रखे हैं। ओके आजकल सर एक चीज और भी देखा गया है, आप भी देखे ही होंगे, बहुत सारे मार्केट में जो है ऐप वाले ट्रांसपोर्टर आ चुके हैं जो कि गाड़ियां ऐप से लगाते हैं, बोलते हैं कि आप ऐप से करो तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, पीओटी होगा, बिलिंग होगा, एडवांस होगा, बैलेंस होगा, जो भी ट्रांसपोर्टर के जितने भी बहुत कुछ होते हैं। आपका क्या इसके लिए आपका क्या व्यू है, आप इसको किस तरह से देखते हो? देखो मैं तो सबसे पहले बात तो ये है जी, बंदे से उसी से काम करो जो अपने नजरों से नजर मिला भी बात हुई हो अपनी या मिलता जुलता रहे, अपने सिटी के अंदर ऑफिस हो उन बंदों से काम। ऑनलाइन वाली कंपनियों क्या है, फोन तो आ जाता है बाद में सिस्टम खराब है, ठीक है, बैलेंस का कोई ठिकाना नहीं है, एडवांस के लिए मारा मारी है, ठीक है। अच्छा भाड़ा वो मार्केट से क्या करेंगे, कई बंदे तो ऐसे आ रहे हैं ब्रोकर से गाड़ी लेके बुकिंग वाले को दे रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन वाले हैं कई बंदे हैं ऐसे, वेंडर से गाड़ी लेंगे फिर वो बुकिंग वाले को देंगे, तो ये बताओ भाड़ा कहाँ मिला? हाँ बिल्कुल, हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कंपनी अच्छी बड़ी कंपनी है। हाँ है बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी आती है, नाम तो मैं नहीं लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। वो क्या करते हैं तो उस चीज में बुकिंग वाले को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है भाई जो बंदा गाड़ी किससे लिया है, उसके पास गाड़ी है ही नहीं, मार्केट से गाड़ियां ले रहा है, वेंडरों से गाड़ियां लेके, और वो खुद ब्रोकर बन रहा है, बुकिंग उसकी है नहीं, तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। इससे भी कहीं ना कहीं मार्केट इंपैक्ट होता है, कहीं ना कहीं बुकिंग वाले होएगा ना, तो बैलेंस तो उनका टेंशन आना नहीं, अगर उनका बैलेंस टेंशन नहीं आएगा तो मोटर मालिक का बैलेंस नहीं देंगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, हमारा नहीं आएगा हम दे देंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, इसकी हालत तो खराब होनी है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। अच्छा सर आप जैसे बताया कि आप ब्रोकर टाइप का बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट्स का, कमीशन एजेंट, तो ट्रक वालों के साथ रिलेशन कैसा है और किस तरह से बनाया जा सकता है? अच्छा क्योंकि आपका जो काम है वो ट्रक मालिक के साथ है जनरली, तो ट्रक मालिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है किसी को क्या करना होता है? अच्छा रिलेशन तो ये अपना बोलने का तरीका सही होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है भाई सामने से अच्छे से उसको उसे बातें करो, उसका एडवांस बैलेंस टाइम से दो, ठीक है भाई उसको भाई हमारे शहर में गाड़ी आ रही है हैदराबाद में, अगर बाय द वे को ड्राइवर को गाड़ी को प्रॉब्लम है तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सिस्टम देखना पड़ेगा, उसका फोन आ गया भाई गाड़ी खराब हो रही है तो जाना पड़ेगा हमें। अगर हम एक कमीशन के बेस को बैठे हैं, अगर हम ये सर्विस नहीं दे सकते ओनर को तो वो फिर हमको छोड़ देगा, वो दूसरी जगह ट्राई करेगा, अच्छा ब्रोकर मिला, अच्छा कमीशन एजेंट मिलेगा, उससे गाड़ी भरेगा तो हमसे क्यों भरेगा? मतलब कि वो फिर कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स देना, दूसरी जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा रिस्पॉन्स देना मोटर मालिक को, अच्छा रिस्पॉन्स देना ताकि उसको संतुष्टि हो, भाड़ा जितना मिला पूरा देना, अपना कमीशन रखना उसमें कुछ नहीं है, राइट वो भी खुशी से कटवाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अपना कमीशन काटो एडवांस बैलेंस हमारा टाइम से दो। अच्छा तो सर आप इतने साल से काम कर रहे हैं ट्रक मालिक के साथ काम करके, कभी ऐसा लगा? बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, करीब 100 से ज्यादा मैंने इंटरव्यू लिया है आज तक ट्रांसपोर्टरों का, जिसमें कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं, बहुत सारे ट्रक मालिक हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कंपनी के लोग हैं जो कि किसी ना किसी बड़े लॉजिस्टिक कंपनी को चलाते हैं या उसके हेड है या उसके मालिक है, वैसे लोगों से भी मैं मिला हूँ। बट एक क्वेश्चन हमेशा मुझे कहीं ना कहीं खटकता है कि क्या ट्रक मालिक के साथ हर किसी का रिलेशन एक जैसा होता है, क्या हर ट्रक मालिक एक जैसा होता है, या फिर हर ट्रक मालिक का उसके नेचर के हिसाब से उसके बिहेवियर के हिसाब से डील करना? वो विचार मिलने की बात होती है, अपने अपने विचार होते हैं, किसी के विचार किसी से मिलते हैं, किसी के किसी से मिलते हैं, ये नहीं हर आदमी के हर आदमी से विचार मिलेंगे ऐसा सकता नहीं। जिसको जहां संतुष्टि हो वही कर, जैसे आप कोई भी काम करो आपको जहां संतुष्टि हो वहां करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोटर मालिक को हमसे संतुष्टि तो हमारे साथ काम करेंगे, हमारे से गाड़ी भरवाएंगे, हमारे संतुष्टि नहीं तो कहीं और भरवाएंगे। ओके हम नहीं भरवाएंगे तो और भरवाएगा ऐसा। तो आप हैदराबाद में आज के डेट में आप कहां कहां से लोडिंग करवाते हैं? हैदराबाद में चारों मेयर मिनिस्ट्रियल एरिया,
सब सारे जगह से करवाते हैं। हैदराबाद में ही आउटर रिंग रोड है 150 किलोमीटर का, इसके चारों मेर में गाड़ियां लोड होती है, कोई एक जगह बता नहीं सकते आपको, एक जगह है नहीं कोई। मेडचल हो गया, काटेदान हो गया, सात नगर हो गया, भवनगिरी होगी, पटानचेरू हो गया, सांगारेडी, सुधाचूपेट। अच्छा एक चीज समझना था, जैसे कि कोई गाड़ी है जो हैदराबाद के अंदर है और तो आपका जो लोडिंग पॉइंट है यहाँ से पतंजेड़ू मान लेते हैं, संगारेडी मान लेते हैं जो अच्छा खासा दूर है यहाँ से, वहां से लोडिंग होना है और जो गाड़ी है वो हैदराबाद सिटी के अंदर, तो यहाँ से अगर गाड़ी पतंजेड़ू के लिए जाएगी लोड होने के लिए, तो क्या जो भाड़ा है उसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ता है उसके लिए पैसा, या उसी भाड़े में गाड़ी वाला भेजने के लिए अपना तैयार हो जाता है कि हाँ मैं गाड़ी भेज देता हूँ लोडिंग के? ना ऐसा नहीं होता, वो डिस्टेंस देखा जाता है। अच्छा अगर ज्यादा दूरी पे खड़ी गाड़ी तो वहां तक चल के आएगी, 50-100 किलोमीटर चल के आएगी तो भाड़ा बढ़ेगा। अच्छा। अगर 10-20 किलोमीटर के दायरे में खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मार्केट रेट है वो लगेगा, जो मार्केट रेट है उस... हाँ, वो लगेगा। अगर गाड़ी अगर लंबी चल के आ रही है तो फिर वो भाड़ा देख बढ़ेगा, 100 किलोमीटर चल के आएगी, 100 अप डाउन 200 किलोमीटर हो जाता है, तो 200 किलोमीटर के हिसाब से अगर सिंगल गाड़ी अगर समझे था 5,000 का खर्चा, तो ड्राइवर का खर्चा होगा। अच्छा अप डाउन में 25-26 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मान लो, 26 के समथिंग पकड़ लो आप, फिर भी 5,200 रुपये गाड़ी का आने जाने का खर्चा ही होगा, माल को भर के वापसी उसी पॉइंट पर। गाड़ी खड़ी है नागपुर रोड पे, पटानचेरू इधर मेडचल में खड़ी है, गाड़ी को जाना सांगारेडी, तो कम से कम ये मानो सांगारेडी तक वहां तक नहीं माना 85-86 किलोमीटर होगी। अच्छा नागपुर जाएगी गाड़ी, वो वापसी उसको आना मेडचल में ही है, तो 150 किलोमीटर के समथिंग होगा, 150-160 किलोमीटर, तो भाड़ा तो पड़ेगा ना। भाड़ा मोटर मालिक को क्या, मोटर मालिक को तो भाई बोलने में तो हैदराबाद आ गई भाई, गाड़ी हैदराबाद से लोड, तो ये भी देखना ना गाड़ी कितनी घूम के लोड हुई है। ठीक है 150 किलोमीटर चल गई तो ड्राइवर तो खर्चा लेगा मोटर मालिक पे किलोमीटर के हिसाब से, तो मोटर मालिक को तो भाड़ा नहीं मिला ना फिर। बिल्कुल वो भाई चलो ठीक है भाई 5,000 नहीं तो खर्चा तो मिलना चाहिए, जो ड्राइवर का खर्चा मिल जाए तो वो भी संतुष्ट है, ड्राइवर भी संतुष्ट है, वो ड्राइवर काटेगा नहीं कहीं, बिल्कुल ड्राइवर को मना नहीं करेगा, तो ड्राइवर को बहुत अच्छा से खर्चा देगा तो उसकी गाड़ी अच्छी चलती रहेगी, और ड्राइवर भी नहीं छोड़ के भागेगा, उसको तो गाड़ी चलानी है, बिल्कुल तो उसको अच्छा खर्चा मिलेगा तो क्यों छोड़ेगा, वो चलाएगा, उसको खर्चा नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा, बच्चे तो उसको भी पालने हैं ड्राइवर को भी। हाँ ये तो होता है, मजबूर दोनों है, ओके ओनर भी और ड्राइवर भी दोनों मजबूर हो गए, तो ये लंबी दूर से गाड़ी चल के आती है डिस्टेंस का, तो ये डिफरेंस। अच्छा सर एक जगह मैं बात कर रहा था ऐसे ही, वो कहीं मेरे इंटरव्यूज में शामिल नहीं था, जनरली ऐसे बात हो रहा था किसी कंटेनर, किसी ने कंटेनर भरवाया था, आप ही कंटेनर का ही काम करते, इसलिए मैं सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं। कंटेनर भराया था, कंटेनर भराया सील लगा कंपनी का, मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका जिसमें वो ट्रक भराया और सील उसी कंपनी ने अपना लगाया, ठीक है, बट जब वो मटेरियल अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंचा तो पता चला कि जो लोड हुआ था मटेरियल उसमें से मटेरियल कम है, क्या ये पॉसिबल है कि कंटेनर जिसे ट्रक से सील लगा हो और उससे मटेरियल चोरी हो जाए, क्योंकि ये चीज मेरे समझ में नहीं आया था जिसने मुझे ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पॉसिबल है नहीं, अगर सील लगा दिया तो फिर माल चोरी होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर कहीं से अगर सील भी नहीं टूटा तो गेट टूटा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, गेट के लॉक वो टूटे मिलेंगे, चलो सील ओके दे दिया उन्हें तो गेट के लॉक तो टूटे मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आपने जहाँ से लोड हुआ सीसीटीवी कैमरा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी फुटेज चेक करनी चाहिए, आपने इस गाड़ी में क्या माल रखा है और कितना रखा था, कहाँ तक भरा है गाड़ी में माल, भाई गाड़ी पूरी पैक है पीछे से या 1 फीट 2 फीट 3 फीट जो भी खाली है पीछे, तो इतना गैप है माल में, इतनी गाड़ी पीछे से खाली, तो उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक करना ना। कई बार पार्टी वाले खुद लापरवाही कर देते हैं, ड्राइवर के ऊपर तोड़ देते हैं। मैंने उस कंडीशन में यही हुआ कि ड्राइवर के ऊपर सील लगी हुई ना तो पॉसिबल नहीं है माल चोरी होने का, अगर चोरी होगा तो सील कटेगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कई जगह गाड़ियां चोरी भी होती है इंडिया में, सब कुछ होता है इंडिया में, वहां चोरी होती है तो वहां सील कटती है, माल उतर जाता है, बिल्कुल, तो उसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं रहती, ड्राइवर की कोई गलती नहीं, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, चलती गाड़ी का पीछे से माल होता है, ड्राइवर क्या करेगा। हाँ कुछ वीडियो देखा हूँ, ड्राइवर अगर करना चाहे भी तो ड्राइवर को मार देंगे, चक्कू चोरी मार देंगे, तो जान तो सबको प्यारी है, बिल्कुल, बाल बच्चे तो ड्राइवर को भी है, वो भी एक परिवार को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो भी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वो तो ठीक है उनकी तो जिंदगी खराब है, उनको तो करना ही चोरी है, वो किसी की लापरवाही मानो या धक्के की मानो या प्रशासन की मानो किसी की मानो, तो उसमें ड्राइवर तो कुछ कर नहीं सकता ना, पीछे से अगर चोरी करेंगे, अगर बाई द वे ड्राइवर चोरी करता है तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यही है ड्राइवर चोरी करेगा तो सील तोड़नी पड़ेगी, सील नहीं तोड़ेगा तो गेट के लोग तोड़ेगा, बिल्कुल, इतना ड्राइवर करता है। ओके तो सर यही जानकारी चाहिए था आपसे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था,
तो दोस्तों आप देख रहे थे, राजेश जी थे हमारे साथ, इन्होंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस का ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो इन्होंने देखा है, जो इन्होंने किया है, जैसा इनका आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, सर ने हमारे साथ शेयर किया। और साथ में आप लोगों के लिए भी ये जानकारी है जो कि एजुकेशनल एक जानकारी होता है इस तरह का, तो आप लोग भी इस चीजों को ध्यान रखिए कि किस तरह से क्या करना होता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कितने के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सर।